सो हेलो गाइस, मैं हूं सैनी। वो फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे चैनल टेक बॉय सैनी में, और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं। गाइस, ये कोई पेड वीडियो नहीं होने वाली। मैंने इस एप्लीकेशन को खुद ही यूज करके देखा और मेरे को ये एप्लीकेशन पसंद आई, इसलिए मैं आप लोगों को ये रिकमेंड कर रहा हूँ। गाइस, इस एप्लीकेशन के थ्रू आप अपने ओल्ड फोटोज को जो है अलाइव कर सकते हो। जैसे मान लीजिए किसी के माता पिता ये दुनिया छोड़ के जा चुके हैं, फिर दादा दादी, और उनके यादों के तौर पे सिर्फ उनकी फोटोज ही आप लोगों के पास है, तो आप इस ऐप की हेल्प से उन फोटोज को जो है अलाइव कर सकते हो। और अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये मेरे दादाजी की फोटो है। मैंने इस ऐप की हेल्प से इस फोटो को अलाइव किया, और इस फोटो को देखने के बाद कुछ जो पुरानी यादें हैं वो ताजा हो जाती है। सो गाइस, अगर आप लोग भी इस टाइप से अपनी जो पुराने फोटोज हैं उनको लाइव करके देखना चाहते हो, तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा। मैं आगे वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप ये सब कर सकते हैं। अगर आप लोगों को कोई इशू आता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, फिर इंस्टा और एफबी पे मैसेज कर सकते हैं। उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे फर्स्ट में तो मैं आपको एप्लीकेशन का नाम बता देता हूँ। और ये जो एप्लीकेशन है आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। आपको सिंपली जाना है गूगल प्ले स्टोर पर और सर्च करना है माई हेरिटेज। और जैसे ही आप माई हेरिटेज सर्च करेंगे तो आप सबसे फर्स्ट में देख सकते हैं ये एप्लीकेशन आ जाएगी, और कुछ इस टाइप का आपको लोगो जो है एप्लीकेशन का देखने को मिल जाता है। सो ये जो एप्लीकेशन है 35 MB की है सिर्फ, तो इसे आप यहाँ से इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो अभी ये जो एप्लीकेशन है इंस्टॉल हो जाती है, बाकी हम प्रोसेसिंग जो है इसके बाद करेंगे। और बाकी आप इस एप्लीकेशन के बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ पे आके जो है रीडिंग कर सकते हैं। सो गाइस, अभी ये जो एप्लीकेशन है इंस्टॉल होके रेडी हो चुकी है, तो चलिए अब हम इसे ओपन कर लेते हैं। फर्स्ट टाइम इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको साइनअप करने के लिए बोला जाएगा। और जैसे ही आप साइनअप पे टैप करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने अलग अलग ऑप्शंस आ जाते हैं। जैसे यहाँ से आप फेसबुक के थ्रू साइनअप कर सकते हो, या फिर अपने गूगल अकाउंट के थ्रू, या फिर आप अलग से एक जो है ईमेल के थ्रू यहाँ पे साइनअप कर सकते हो। तो यहाँ से मैं जो है गूगल अकाउंट के थ्रू साइनअप कर लेता हूँ अभी के लिए। गाइस, ये जो फर्स्ट इंटरफेस है आप लोगों के सामने आ जाएगा एप्लीकेशन का, और यहाँ पे आपको जो है डायरेक्टली कुछ और नहीं करना, सीधा यहाँ पे आपको फोटोज़ का ऑप्शन मिल जाता है और यहाँ पे आपको सिंपली टैप करना। और जैसे ही आप टैप करेंगे तो आपके सामने फोटोज़ ओपन हो जाएंगे। और गाइस, इस एप्लीकेशन को जो है मैं पहले भी यूज़ कर चुका हूँ, इसलिए यहाँ पे जो फोटो मैंने आप लोगों को पहले दिखाई थी स्टार्टिंग में वीडियो में, वही यहाँ पे आपको शो कर रही है। सो अभी सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको अगर अपनी कोई भी फोटो ऐड करनी है तो यहाँ पे ऐड के साइन पे जाना है, और यहाँ पे आपको जो है कैमरा का ऑप्शन मिल जाता है अगर आप एक नई फोटो क्लिक करना चाहते हो, या फिर आप गैलरी के थ्रू भी यहाँ से जो है फोटो को ऐड कर सकते हो। सिंपली आपको जो है अलाउ कर देना है स्टोरेज को, और आपकी जो भी गैलरी में फोटोज होंगी आप यहाँ से पिक कर सकते हो। जैसे अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, ये फोटो मैंने पहले से क्लिक की हुई है, तो मैं फिर से वही फोटो जो है मेरे दादाजी की वो पिक कर लेता हूँ। फोटो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको ऊपर राइट साइड में जो है अपलोड दिख रहा है, सिंपली इस पे टैप करना है। और गाइज, इस एप्लीकेशन को यूज़ करने के लिए आपके फ़ोन में इंटरनेट कनेक्शन इनेबल रहना ज़रूरी है। सो अभी यहाँ पे देख सकते हैं जो फोटो है यहाँ पे अपलोड हो चुकी है एक बार, और फोटो अपलोड होने के बाद आपको सिंपली उस पर टैप करना है। और उसके बाद यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ अलग अलग जो सेटिंग्स है वो देखने को मिल जाती है। सो यहाँ पे सबसे फर्स्ट में आपको ये जो कलर में सर्कल दिख रहा है, इस पर टैप करने से जो फोटो के कलर्स हैं वो सब अच्छे से हो जाते हैं। सो गाइस, अगर आपके पास कोई पुरानी फोटो है उसमें कलर्स वगैरह ठीक नहीं है, यहाँ पे आप टैप जैसे ही करोगे तो आपको जो कलर्स वगैरह है वो और भी बेटर देखने को मिल जाएंगे। सो यहाँ पे जो है अगर आपको कलर्स अप्लाई करने हैं तो आप कर लीजिएगा, सिंपली यहाँ पे आप कलर अप्लाई कीजिएगा। और दूसरा जो स्टेप है, यहाँ पे आप जैसे ही टैप करोगे इस स्टेप से जो फोटो है वो थोड़ा और क्लियर आपको नज़र आएगी। तो ये जो स्टेप्स हैं थोड़े थोड़े सेकंड्स के हैं, कुछ टाइम इनको लगेगा अप्लाई होने में, तो आप थोड़े टाइम के लिए वेट कर लीजिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये फोटो जो है क्लियर हो चुकी है। फोटो क्लियर होने से पहले कुछ ऐसी थी, लेकिन क्लियर होने के बाद कुछ ऐसी नज़र आती है। तो यहाँ पे फोटो क्लियर हो चुकी है। अब यहाँ पे आपको कोई सेव का ऑप्शन नहीं दिख रहा, तो यहाँ पे सिंपली आपको बैक कर देना, और ये फोटो ऐसे के ऐसे ही रहने वाली है। और गाइस, यहाँ पे जो सबसे फर्स्ट में आप ये ऑप्शन देख रहे हैं, जैसे ही आप इस पर टैप करेंगे तो ये ऑप्शन जो है फोटो पे एनिमेशन अप्लाई करेगा। और गाइस, ये जो स्टेप्स हैं कुछ टाइम ज़रूर लेंगे, तो आपको वेट करना होगा, और हो सकता है कि फर्स्ट टाइम में ये स्टेप्स जो है अप्लाई ना हो, तो आप 2 से 3 बार ट्राई कर लीजिएगा, ज़रूर से ये स्टेप्स जो है फोटो में अप्लाई हो जाएंगे। और अभी आप देख सकते हैं ये जो फोटो है ये अलाइव हो चुकी है। और गाइस, यहाँ पे आपको जो है अलग अलग जो एनिमेशंस है वो सब देखने को मिल जाते हैं, और करीब आप इस एप्लीकेशन से 4 से 5 फोटोज़ जो है फ्री में एनिमेट कर पाओगे। लेकिन अगर उसके बाद आपको फोटोज़ एनिमेट करनी है तो यहाँ पे आपको जो है इसका पेड वर्जन बाय करना होगा। लेकिन गाइस, मेरे ख्याल से आपको सिर्फ 2 से 3 फोटोज़ ही जो है
एनिमेट करनी होंगी तो आप वो यहाँ से कर पाएंगे। और आप स्टार्टिंग में ही चेक कर लीजिएगा, जो भी आप एनिमेशन 3-4 लगाना चाहो अलग अलग, वो यहाँ से अप्लाई कर पाओगे। फोटो में जब सक्सेसफुली एनिमेशन अप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे आपको जो है डाउनलोड का साइन दिख रहा है, जैसे ही आप इस पर टैप करेंगे तो जो आपकी फ़ोटो है वो फ़ोन की गैलरी में डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं एनिमेशन सेव्ड, और आप गैलरी में जाके इसे आप शेयर भी कर सकते हैं और अपने पास हमेशा के लिए रख भी सकते हैं। तो गाइस अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं जो अलाइव फ़ोटो मैंने डाउनलोड की थी वो यहाँ पे गैलरी में सेव हो चुकी है, और यहाँ पे बस आपको एक छोटा सा लोगो देखने को मिल जाएगा उस एप्लीकेशन के नाम से, और मेरे को लगता है आपको इससे कोई इशू नहीं होना चाहिए। इस ऐप के थ्रू जो एनिमेशन किया गया है यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल ओरिजिनल लगता है। फेस जो है इधर उधर भी मूव होता है, साथ में स्माइल भी होती है, पलके भी झपकती है, और बिल्कुल ऐसा लगता है ये वीडियो जो है ओरिजिनल है। बस जो कमी रह जाती है वो यही है कि फ़ोटो बोलती नहीं है, हमें ऐसा लगता है कि अभी ये कुछ बोलने वाले हैं, लेकिन वो सब नहीं होता, सिर्फ यहाँ पे आपको फ़ोटो ही अलाइव मिलती है। लेकिन गाइज़ ये जो एप्लीकेशन है मेरे को वाकई में बहुत पसंद आई, और मैं कहूँगा आप लोगों से भी एक बार आप इसको ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, और अपनी फ़ोटोज़ को भी जो है आप अलाइव करके चेक कीजिएगा। और गाइज़ इस ऐप को यूज़ करते वक्त आपको किन बातों का ध्यान रखना है वो एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। सबसे फर्स्ट में तो आपको जो है अपने गूगल अकाउंट से या फेसबुक अकाउंट से या फिर किसी दूसरे अकाउंट से इस ऐप में साइन अप करना होगा, और दूसरा आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है वो परमानेंटली इनेबल रहना चाहिए इस ऐप को यूज़ करने के लिए, और तीसरा आप एक बार में जो है एक ही फेस को एनिमेट कर सकते हो, एक से ज़्यादा फेसेस को आप एनिमेट नहीं कर पाओगे। और इसके अलावा आप इस ऐप को जो है 5 से 6 बार के लिए ही फ्री में यूज़ कर पाओगे, अगर इससे ज़्यादा आप यूज़ करना चाहते हो तो आपको पेड वर्जन बाय करना होगा। जब भी आप किसी फोटो पे एनिमेशन ट्राई करोगे या फिर उनको कलर वगैरह इन्हेंस करना चाहोगे तो हो सकता है वो फर्स्ट और सेकेंड ट्राई में फेल हो जाए, लेकिन आप 3rd या 4th टाइम ट्राई करोगे तो वो सक्सेसफुली अप्लाई हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है ये जो एप्लीकेशन है आप लोगों को ज़रूर से पसंद आया होगा, और आप अपने किसी ओल्ड फोटोज़ पे इसे ट्राई करके देखोगे तो आपको ये बेशक से पसंद आने वाला है। और गाइस अगर आप लोग इस एप्लीकेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहते हो तो आप इसे शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि वो भी अपनी ओल्ड फोटोज़ को अलाइव करके देख सके और अपने पास्ट में जो है जा सके। तो गाइस अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ में अगर आपको कोई इशू आ रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, और इसके अलावा आप इंस्टा और FB पे भी मैसेज कर सकते हैं डायरेक्टली, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिएगा, ताकि लेटेस्ट जो वीडियोस है वो आप लोगों तक पहुंच सके। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।